सो हाय गाइस, एथिकल हैकिंग के इस पर्टिकुलर सेशन में आपका स्वागत है। गाइस, काफ़ी लेट में वीडियो बना रहा हूँ एथिकल हैकिंग पे, बट थोड़ा सा बिजी लाइफ थी और इधर उधर के चीज़ों में थोड़ा सा काम था। तो आई होप अभी से आपको मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोस प्रॉपर तरीके से, जैसे मेरा पहले चैनल पे डेली मिलता है, टाइम निकाल कर देना ही देना है, ऐसे इस पे भी। गाइस, इस पे थोड़ा सा और एक वो है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे और थोड़ा सा चैनल अगर ग्रो कर जाता है तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ भी मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो उस पर फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं बात करूँगा सेशन हाईजैकिंग के बारे में। तो सेशन को कम्प्लीटली कैसे हाईजैक करते हैं, इन सारी चीज़ों पर मैं आपको करके कुछ प्रैक्टिकल्स दिखाने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने दिखाया था कैसे सेशन हाईजैकिंग होती क्या है और सेशन हाईजैक से फायदा क्या होता है, कि किस तरीके से हैकर या अटैकर सेशन को हाईजैक करता है। तो यहाँ पे टोटल इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं, आपको मेरा दूसरा चैनल लिंक है जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग आप पा सकते हैं फ्री में, और इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा। आप मेरे से लाइव कम्युनिकेट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, और जो भी मैं नए प्लान या कुछ भी स्ट्रेटेजी जॉब और सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है मैं शेयर करता रहा, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। तो यहाँ पे बात होती है गाइस कैसे सेशन हाईजैकिंग होता है। तो मैं यहाँ पे बिग बास्केट ऐसे कुछ लिख कर दिखाता हूँ। बिग बास्केट मतलब कैसे काम करता है चीज़ें, मैं उसको आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो बिग बास्केट डॉट कॉम पर मैं जाता हूँ, यहाँ से लॉग इन करता हूँ। देखो इस तरीके से कुछ है, तो माई बास्केट एंड लॉग इन एंड साइन अप है। तो मैं यहाँ से साइन अप करता हूँ। साइन अप मैं कर देता हूँ ऐसे ही, यहाँ से फर्स्ट नेम या जीमेल का यहाँ पे डिटेल मांग रहा है, सो जीमेल पे जाते हैं। सॉरी, यहाँ से बैक करता हूँ मैं, और एक ऐसे ही मैं आईडी जनरेट कर लेता हूँ। कोई भी नेम मैंने यहाँ पे दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया सिस्टम, एंड लास्ट टाइम मैंने दे दिया विंडो। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दे दिया, सिस्टम LEVEL लेवल 1@gmail.com। पासवर्ड यहाँ पे एक जनरेट कर दिया मैंने, यहाँ से कोई भी एक पासवर्ड जनरेट कर दिया, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मीडियम पासवर्ड, और यहाँ पे ऑप्शनल है रेफरल कोड वगैरह आपके पास है तो, नहीं तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या कर देना है, लॉग इन कर लेना है। ये मैं गूगल क्रोम पे कर रहा हूँ, सो आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए लॉग इन हो रहा है, और आई होप यहाँ पे लॉग इन हो गया और मेरा अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। इस तरीके से अगर किसी का भी अकाउंट बना हुआ है तो आप देख सकते हो, अब ये लॉग इन हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हो SYSTEM सिस्टम अकाउंट आ गया, और मेरे वैलेट में 0 रुपए हैं क्योंकि नई आईडी भी है। सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो, A to Z क्लियर है ना। अब मैं यहाँ से कुछ भी परचेज करता हूँ, मेरा अकाउंट है सारी चीज़ें। अब मान लिया कि किसी का सेशन आपको मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अनियन वगैरह खरीदना है, देखो यहाँ पे 41 रुपये केजी दिया हुआ है, सो ये सारी चीज़ें, एंड पोटैटो 1 केजी का 15 रुपये प्राइस दिया हुआ है। आप कुछ भी यहाँ से परचेज कर सकते, बहुत अच्छी साइट है, बहुत बेस्ट आपको यहाँ से चीज़ें डिलीवर होती हैं। तो अभी देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि एक सेशन ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे F11 प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पे F11 प्रेस किया, सॉरी F11 नहीं F12, और यहाँ से मुझे कुछ इस तरीके से डेटा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे bigbasket.com ये है। अब यहाँ से देखो वैल्यू, मतलब कि यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे आना है नीचे, और सेशन आईडी यहाँ पे जो दिया हुआ है, सेशन आईडी में आपको थोड़ा सा और चीजें मैं इधर कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू में यहीं पे देखिए दिया हुआ ये सेशन आईडी है ना, सो मैं यहीं पे डबल क्लिक करता हूँ और ये पूरा का पूरा डिटेल मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ये आईडी आपको कैसे कमांड के थ्रू या टारगेट पीसी का मिलेगा, मैं काले लिनक्स का यूज करके दिखाऊंगा, सेकेंड वीडियो इस पे आएगी बहुत बेस्ट इसी के बाद तो, बट ये वाला आपको ग्राफिकली थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब ये सेशन मैं लॉगिन करना चाहता हूँ अपने ब्राउजर पे, तो मैं दूसरा ब्राउजर ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ बिग बास्केट, एंड मैंने लॉगिन कर दिया। अब बिग बास्केट यहाँ से भी मैं ओपन कर लेता हूँ और ये ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे भी F12 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको चले जाना है स्टोरेज में, स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ से सेशन ले लो बिग बास्केट का, और यहाँ पे देखो सेशन आईडी दिया हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे है ना, ये वैल्यू है। अब इस वैल्यू को आपको हटाना है और यहाँ पे जो आपका वहाँ का वैल्यू था उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एंटर कर दीजिए, और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे पेज देखिए रिफ्रेश हो गया, और यहाँ पे आपको बिना ईमेल आईडी का वो सेशन लॉगिन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सिस्टम लॉगिन हो गया और सेम प्रोसेस के साथ हो गया है ना।
जो भी वहाँ पे डिटेल थी, मतलब कि इस तरीके से सेशन हाईजैकिंग होती है। तो हमें जब भी अपने कंप्यूटर पे कोई भी ऑनलाइन काम करें, ट्रांजैक्शन करें, कुछ भी, तो एक प्रॉपर उसका सिक्योरिटी के साथ या इधर उधर, जैसे कि हम लोग कहीं भी साइबर कैफे इधर उधर कर लेते हैं, तो इधर उधर नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आपका सेशन हाईजैक हो सकता है। तो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से पूरा पता चल गया होगा कि कैसे क्या है सारी चीज़ें, सेशन हाईजैकिंग और सब कुछ। अब देखो, यहाँ से बंदा कुछ भी ऑर्डर कर सकता है, अगर आपका सेशन हाईजैक हो जाएगा, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं सारी चीज़ें, तो यहाँ से वो हाईजैक हो जाएंगी सारी चीज़ें, है ना। तो देखो, सिस्टम यहाँ से लॉग इन है। तो गाइज, हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि हमें अपने कंप्यूटर पर जो भी काम कर रहे हैं, इस सेशन को हाईजैक से बचना है, तो हमें अपने कंप्यूटर पे हिस्ट्री वगैरह को क्या कर देनी चाहिए, क्लियर कर देनी चाहिए। और जो भी सारी चीजें हैं, हिस्ट्री से लेके कुकीज कैसे, सब कुछ डिलीट कर देना चाहिए। तो सो गाइज, आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।